हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले हम ब्रॉड ट्रेंड को देखते हैं। वी हैव डन अगेन ऑल टाइम हाई, आज हमने किया और मार्केट पॉजिटिव क्लोज दिया, राइट? एंड अगर आप वीकली भी, अगर मान लो ये वीक का ये क्लोजिंग है, तो ये भी ऑल टाइम हाई के क्लोजिंग ही है, राइट? सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट, कि मार्केट बुलिश है। डोंट आर्ग्यू विद द मार्केट, कीप राइडिंग द ट्रेंड और डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट? ये ट्रिपल टॉप हो गया, डबल टॉप हो गया, लेट द मार्केट ब्रेक दिस, लेट द मार्केट ब्रेक दिस, राइट? टेक्निकल पैटर्न्स जितने भी लोग देखते हैं, कोई प्री अटेम्प्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो लेट सी टुमारो क्या सिनेरियो। सबसे पहले चीज ये लेवल है, जो आप पकड़ लो 22,050 से 60 के आसपास का एक जोन है, राइट? बाजार मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर ऊपर जाता है, तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन। दूसरा सिनेरियो 21,900 के आसपास मान लो कहीं ना कहीं आता है, तो ये एक सिनेरियो, यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। एंड थर्ड इज 21,850, कहीं ना कहीं मतलब ये जोन पकड़ लो, या तो ये जोन पकड़ लो, ये जोन, जहां पे भी सस्टेन रहे, बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे, लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन। बट उसके अलावा सिनेरियो मान लो यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो लुक फॉर अ लोअर रिस्क अपॉर्चुनिटी, राइट? सो अपने को लॉन्ग ही अपॉर्चुनिटी देखना है, अभी शॉर्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। ओके okay? या लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक का जो गैप डाउन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़े जोन में है, राइट? एंड बैंक निफ्टी ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड, बट ये ट्रेंड कब होगा? आपको याद हो तो हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन रहना बहुत जरूरी है फॉर ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई, राइट? तो आप देखेंगे उस दिन भी वहां पे आया, फिर सेलिंग आ गया, आज भी कहीं ना कहीं वहां पे है और सेलिंग आ गया यार। सो जैसे डिसीजिवली बैंक निफ्टी आपको इसके ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे, बेसिकली आप पॉइंट पकड़ लो 46,700 to 800 के ऊपर, राइट? मोटा मोटी 750 to 800 के ऊपर, जैसे ही वॉल्यूम के साथ सस्टेन है, यहाँ पे आप यू कैन लुक फॉर ऑल टाइम हाई अपॉर्चुनिटी, राइट? अब पुल बैक में मान लो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 46,000 के आसपास यहाँ पे आती है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन। वी शुड नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? एज ऑफ नाउ देर इज नो पॉइंट टू शॉर्ट एज ऑफ नाउ। मान लो यहाँ पे है, तो एक लो रिस्क शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, बट आपको इसके हाई के ऊपर क्या आप एक स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हो 46,000, कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रहा है। बट द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इज मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है और फिर ऊपर में जाए, तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन। देन लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को देखेंगे, फिन निफ्टी भी आप देखेंगे काफी टाइम से स्टक है, ये जोन जो मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है, तो फिन निफ्टी में इतना कोई स्ट्रेंथ नहीं है। या सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी। सबसे पहला पॉइंट है ये, इसके ऊपर जब तक नहीं जाए, तब तक फिन निफ्टी में वीकनेस है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है। सो फिन निफ्टी में मान लो कहीं ना कहीं 20,400 के आसपास नीचे में आता है, पुल बैक करता है, फिर ऊपर जाता है, तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन है। सो एक चीज को ध्यान रखिए, पहले इसको क्रॉस कीजिए एंड देन 20,900 के आसपास। या सो द स्ट्रॉन्गेस्ट इज निफ्टी, देन बैंक निफ्टी एंड देन फिन निफ्टी। या सो पहला लॉन्ग ट्रेड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखना चाहिए रेदर देन फिन निफ्टी। लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। जैसे फिबोनाची मैंने एक ड्रॉ के 0.38 ऑलमोस्ट रिट्रेस किया अभी आज, और वहां पे कहीं ना कहीं कर रहा है, मान लो पुल बैक आए यहाँ पे कहीं पे नीचे में और फिर ऊपर जाए, तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ और जा सकता है। तो अभी कोई ऐसा कंसर्न नहीं है स्मॉल कैप में, द रैली इज गोइंग ऑन एंड कीप राइडिंग द ट्रेंड, यार देयर इज नथिंग टू चेंज। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।